वाटर ब्रेक को सिंगल डोर ब्रेक करके कंप्रेसर को हम कैसे कैसे चेक कर सकते हैं, अगर कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो हम लोग किन किन पॉइंट पे ध्यान देना है, जिसके लिए हमारे पास क्लाइमेटर सुनाए हो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे मेन वोल्टेज, पहले हम लगाएंगे एसी वोल्टेज पे। क्या सीख रहे हो जो भैया? आ गया वोल्टेज 230? नहीं, यानी कि वोल्टेज सही है। करेंगे इसका कंप्रेसर, कंप्रेसर चेक करने से पहले चेक करेंगे यहाँ से सप्लाई आ रही है या नहीं। जैसे कि ये देख रहे हैं रिले है, इसी से कंप्रेसर हमारा ऑन होता है। इसका काम होता है कंप्रेसर को ऑन और ऑफ करना। अब इसमें आपको बहुत सारे वायर दिख रहे हैं, ये ब्लैक वायर आपका ओवरलोड के लिए है कॉमन, जो कि आपका थर्मोस्टेट से आ रहा है। उसके बाद ये देखेंगे मेन पावर कॉर्ड, ये हमारा न्यूट्रल एंड ये इधर आया फेस। अब याद देखोगे इसमें से एक लाइट का वायर है और एक डोर स्विच से वायर आया हुआ है और ये बाकी अर्थ है। अब इसमें देखोगे इसमें आपको कुछ चीज़ें लिखी मिलेंगी, न्यूट्रल लाइन, ये हो गया हमारा न्यूट्रल लाइन आ रहा है। उसके बाद ओवरलोड का वायर है, बंद कर लो। अभी हम चेक करेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी सब हम सबसे पहले चेक करेंगे मेन सप्लाई, ये हमारा हो गया न्यूट्रल, ये फेस, ये न्यूट्रल। जैसे कि मीटर में देखेंगे तो 39 वोल्टेज आ रहा है। अब हम चेक करेंगे जो हमारा थर्मोस्टेट जो सप्लाई आती है वो आ रही है या नहीं आ रही। अब उसके लिए हम एक ले लेंगे न्यूट्रल, अब उसके बाद एक ले लेंगे सप्लाई आ रही है, यानी कि हमारा थर्मोस्टेट भी सही है। अगर यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही है तो हमको चेक करना पड़ेगा थर्मोस्टेट, हो सकता है थर्मोस्टेट ख़राब होने पे या थर्मोस्टेट बंद होने पे यहाँ पे सप्लाई नहीं आएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सप्लाई आ रही है तो अब अगर हमारा कंप्रेसर सही होगा तो कंप्रेसर चलेगा। तो अब हम चेक करेंगे कंप्रेसर कोल्ड टेस्टिंग, कि हम कंप्रेसर को कोल्ड टेस्टिंग कैसे करते हैं क्लाइमीटर से। मीटर को सेट करेंगे बजर मोड पर, फिर हम इनकी जो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग है हम बारी बारी से चेक करेंगे। इसको हम साइड कर देते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे इन दो वाइंडिंग पे, देखेंगे मीटर, जीरो पॉइंट टू नाइन, जीरो पॉइंट सिक्स फोर। अब इधर चेक करेंगे 0.29, इधर 0.36, इधर 64, यानी कि तीनों बाइंडिंग बता रही हैं यानी कि कंप्रेसर सही है। अब हम इसका चेक करेंगे बॉडी अर्थ, तीनों बाइंडिंग पे किसी के साथ बजर आता है तो हमारा कंप्रेसर शॉर्ट होगा, उस कंडीशन में ऑन करने पे एमसीवी ट्रिप करेगी यानी कि हमारा कंप्रेसर अभी सही है। तो अब हम इसको चेक करें, बंद था क्या पहले? ठीक है, अभी हम चेक करेंगे इसको अब डायरेक्ट चला के कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। किस क्या कर रहा है? पहले नीचे के दोनों वाइंडिंग चेक करेंगे, रेजिस्टेंस है 0.65 ओम्स। अब अगेन फिर दो और 0.29.4, फिर इधर 0.36। अभी हमारा कंप्रेसर भी सही है। ठीक है, अब इससे हमको ये भी पता चल गया कि इसमें कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग, कौन सा स्टार्टिंग। जैसे कि आपने देखा ये नीचे की जो दो रजिस्टर वाइंडिंग है इसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रहा है, यानी कि इन्हीं में से एक कोई स्टार्टिंग है एक कोई रनिंग है। तो हमारा जो तीसरा बचा हुआ है वो हो गया कॉमन, तो हम कॉमन पर रखेंगे, इधर चेक करेंगे 0.29, इधर चेक करेंगे 0.36। तो अब जिस पे हमारा रजिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है वो हमारा स्टार्टिंग हो जाएगा, जिस पे कम आ रहा है वो हमारा रनिंग हो जाएगा, यानी कि 0.36
36 ये हमारा स्टार्टिंग हो जाएगा और 0.29 ये हमारा हो जाएगा रनिंग। तो हम इस पर कॉमन और रनिंग पे सप्लाई देके डायरेक्ट और स्टार्टिंग से शॉर्ट करके हम कंप्रेसर को डायरेक्ट चलाकर चेक कर सकते हैं। अब हम चेक करेंगे कंप्रेसर की शॉर्टिंग, जो कि हम कंप्रेसर में किसी भी कॉपर पाइप पे रख के चेक कर सकते हैं। तो कंप्रेसर हमारा ऑडियर्स नहीं है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अब हम कंप्रेसर को डायरेक्ट चलाएंगे। जैसे आप इसकी देख लीजिए वायरिंग, एक हमने इसको न्यूट्रल दिया हुआ है कॉमन में और फेज दिया है रनिंग में, ये स्टार्टिंग खाली है। अब हम स्टार्ट करने के बाद स्टार्टिंग को रनिंग से शॉर्ट करेंगे, तो कंप्रेसर हमारा, अगर रिले की प्रॉब्लम होगी तो कंप्रेसर अभी हमारा ऑन हो जाएगा। अभी आप देखिए, पहले हम इसको ऑन करेंगे। ठीक, अभी इसको हम ऑन करेंगे, हमने ऑन कर दिया। अब हम इसको शॉर्ट करेंगे, इसको सावधानी से करना है। अभी जो कंप्रेसर ऑन हो गया है, अभी सही है नहीं सही है इसका एम्पियर चेक करेंगे। तो ये हम देखिए 0.69 एम्पियर, यानी कि हमारा कंप्रेसर सही है। अब अगर मान लीजिए आपका कंप्रेसर अब भी चलता है और हाई एम्पियर लेके बंद हो जाता है, तो हो सकता है कि आपके सिस्टम में कहीं ब्लॉकेज है। तो आपको क्या करना है, गैस स्थिति कंप्रेसर की गैस को उड़ा देना है, उसको निकालने के बाद खाली चलाना है। अगर गैस निकालने के बाद कंप्रेसर खाली चल जाता है तो इसका मतलब है कि सिस्टम में कहीं से ब्लॉकेज है। अगर गैस निकालने के बाद भी हाई एम्पियर है, नहीं चल रहा है, बंद हो रहा है, तो फिर इसका मतलब है कंप्रेसर की प्रॉब्लम है। तो अभी हम इसको गैस निकाल के भी एक बार चलाएंगे कैसे चलाना है। अब देखिए, जैसे इसमें वॉल लगा हुआ है, तो हम यहाँ से इसका वॉल खोलेंगे। फिर इसकी गैस को निकालेंगे। गैस सारी निकल गई। अब क्या करेंगे, अब हम इसको चलाएंगे। अब अगर कंप्रेसर चल गया, मान लीजिए पहले आपका हाई एम्पियर था, चल के बंद हो रहा था, तो अब गैस निकालने के बाद अगर ब्लॉकेज की प्रॉब्लम से रहा होगा तो अभी कंप्रेसर आपका ऑन हो जाएगा। अगर इस कंडीशन में भी कंप्रेसर आपका ऑन नहीं होता है तो कंप्रेसर ख़राब है। अगर ऑन हो जाता है तो इसका मतलब था कि ब्लॉकेज की वजह से आपका कंप्रेसर नहीं ऑन हो रहा था। तो अब हम इसको दोबारा ऑन करेंगे रिले के थ्रू। ओके, ये रिले, जैसे कि मैंने आपको सबको बताया था कि अर्थिंग में लगा दे रहा हूँ। बाकी इसका कनेक्शन सिंपल है, सीधा लगा दिया हमने। अब इसको हम स्टार्ट करेंगे। पहले आप क्लाइंब मीटर लगा लेंगे इसमें एम्पियर पे। कंप्रेसर हमारा ऑन हो गया, यानी कि कंप्रेसर सही है। अगर ये कंप्रेसर गैस होने पे नहीं चल रहा था और अभी चल रहा है, इसका मतलब है कि कहीं पे ब्लॉकेज था जिसकी वजह से सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, तो कंप्रेसर नहीं चल रहा था। तो आप इन स्टेप्स की मदद से आसानी से आप कंप्रेसर को डिक्लेयर कर सकते हैं सही है या ख़राब है। इसका रिले ओवरलोड सही है या नहीं सही है, ये देख रहे हैं आप, ये बेको का रिले है। इसमें कॉमन, मेन, स्टार्टिंग। अब जिसमें आप देख रहे हैं, ये जो है आपका, ये कॉमन आएगा जो थर्मल स्टेट से रिटर्न आएगा। ठीक है, अब हम चेक करेंगे इसका ओवरलोड प्रोटेक्टर। सबसे पहले ओवरलोड के लिए हम इसका कॉमन और ये चेक करेंगे। यहाँ पे बजर आना चाहिए, यानी कि हमारा क्लाइंब मीटर में साउंड आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा ओवरलोड सही है। अब हम चेक करेंगे पीटीसी रिले, रिले हमारा सही है। अब उसके बाद फिर इसको हम चेक करेंगे मेन से, सही है। फिर स्टार्टिंग, इधर आपका अभी नहीं आएगा, ये देखिए स्टार्टिंग आ रहा है अभी। ठीक है, यानी कि हमारा रिले भी सही है। और अगर इसका रिले पीटीसी ख़राब होगा ना, तो आप इसको आप हिलाओगे ऐसे, तो आपको इसमें जो इसका पीटीसी होता है वो टूट जाता है, तो उसके आपको साउंड मिलेगा। ठीक है, ओके।